मैं पॉल एविटर हूँ। मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर से एक संक्रामक रोग चिकित्सक हूँ। बदकिस्मती से बुरी खबर ये है कि हम इस महामारी में अब 15 महीनों से हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि खाने वाली कोई दवाई या ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम जानते हों जो आपकी घर पर मदद कर सके। और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों द्वारा बहुत से वादे किए गए हैं कि शायद कुछ दवाएं काम कर सकती हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि इन सभी दवाओं के लिए आज कई नैदानिक परीक्षण विफल हो चुके हैं। इनमें से कुछ जिनका नाम मैं ले रहा हूं वो है एजिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसे कभी कभी प्लैक्विनिल के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का संयुक्त अध्ययन आइवरमेक्टिन, कोल्चिसिन, फेविप्रिवियर, वो दवा जो इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल होती है, इनमें से किसी ने भी दरअसल कोई काम नहीं किया है। एक सांस से ली जाने वाली स्टेरॉयड ब्यूडेसोनाइड है जो आमतौर पर अस्थमा के लिए उपयोग किया जाता है, कुछ अध्ययनों के हिसाब से इस बीमारी की धीमी प्रगति में मदद कर सकता है।